الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق <applause> وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق <applause> الله العظيم

उनके दलाइल और हुजूर ने उनसे फिर अल्लाह ने वही के जरिए अपने महबूब को ये तालीम फ़रमाई कि महबूब आप मुबाहिले की दावत दें और मैंने गुजतः तफसर में बताया था मुबाहिला एक दूसरे पर लानत करें कि अल्लाह जो झूठा है उस पर तेरी लानत और ये लानत जब की जाए तो फिर बंदा जो है एक साल के अंदर अंदर मर जाता है जो झूठा होगा वो एक साल के अंदर मर जाएगा ये मुबाहला उसी वक्त हो सकता है यानी यह जायज़ उसी वक्त है जबकि यकीनी हो यकीनी यानी कि यकीनी चीज़ हो उस पर हम मुबाह कर सकते हैं ज़न्नी चीज़ हो सिर्फ़ वहमो गुमान की चीज़ें हों छोटी मोटी चीज़ हो उस पर मुबाहला नहीं हो सकता इसी तरह से दोनों आपस में एक दूसरे को लानत करें तब जाकर मुबाहला होगा ये मुकाबला यानी होना है तो आपस में एक दूसरे पर लानत करनी है कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत और अगर कोई बंदा जैसे कुफार मक्का हैं उन्होंने मुबाहला किया नहीं किया लेकिन मुबाहले की तरह की बातें की उन्होंने कहा आ, अगर ये कुरान सच्चा है तो अल्लाह तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा लेकिन पत्थरों की बारिश नहीं बरसी अजाब नहीं आया तो आ, ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भी तो मुबाह किया लेकिन उन पर तो अजाब नहीं आया इसलिए कि मुबाह दोनों तरफ से होता है वो तो बस ऐसे ही ज़बान से कह देते थे ऐसी दुआएँ ऐसे बहुत से हमारे दरमियान भी लोग होते हैं कि जब कंटाल जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह तो मुझे उठा ले है ना कभी बीवी से बात बात में लड़ाई झगड़ा होता हो तो फिर वो कहते हैं अल्लाह मुझे मौत ही दे दिए यानी कि कंटाल गया हूँ इससे तो तो इस तरह की बात तो वो दुआएं जो है कभी ऐसा हो सकता है एक बात याद आए तो आपको बताऊँ ऐसी यानी कि हम इस तरह की बातें करते रहते हैं कभी भी हम सीरियस यानी कि गुस्से में इस तरह की बातें कर देते सीरियस नहीं होते मरने के लिए लेकिन इस तरह की दुआएं कर लेते हैं लेकिन अगर वो इजाबत का वक्त हुआ ना पूरे 24 घंटे में एक साथ होती है एक पीरियड होता है कबूलीत का जिसमें दुआ कबूली हो जाती है रद्द नहीं होती है अगर उस पीरियड में अगर हमने वो दुआ कर दी और अल्लाह ने कबूल कर ली तो हम पहुंच जाएंगे है ना तो कहने की बात यह कि आ, इसी तरह से माएँ जो होती ना वो अपनी औलादों को गालियाँ बोलती रहती गालियाँ मुराद है ना मर जा तेरा जनाजा उठे तेरा जनाजा निकले और तू ऐसा हो वैसा बोलती रहती अपने को तो इतना ज़्यादा बोलते भी नहीं आता जितना औरतें बोल लेती हैं लेकिन वो इस तरह की बातें यानी कि थो, यानी थोड़े थोड़े वक्त में छोटी छोटी बातों पर काम नहीं किया पढ़ा रहा कोई बंदा यानी लेने कुछ नहीं गया या बोलते रहते हैं तो माएँ इस तरह की बातें यानी करती है तो वो भी अगर कबूलीत की सात में कभी वो ज़बान से निकला वो जुमला अल्लाह तला ने कबूल फ़रमा लिया तो उसकी औलाद की हक़ में हलाकत होगी उसके औलाद के हक़ में बर्बादी और हलाकत होगी तो माओं को भी इससे बचना चाहिए आ, अपनी औलाद के लिए वो इस तरह के जुमले न कहें कहना है तो दुआएँ दें अगर कहना है यानी बहुत गु़स्सा आता हूँ तो दुआएँ दें अल्लाह तेरे पर रहम फरमाए <laughs> अल्लाह तुझे तोफ़ी दे इस तरह के यानी गुस्सा यूँ भी निकाला जा सकता है तेरा जनाजा उठे ये भी गुस्सा निकाल सकते हैं और अल्लाह तुझे तोफ़ी दे अल्लाह तुझ पर रहम करे है ना यह भी एक गुस्सा निकालने का तरीका है लेकिन हमें सुधरने की ज़रूरत है हम अपनी ज़बान की असलाह करें हम अपने आप को यानी जबान को थोड़ा दुरुस्त करें तो इस तरह के जुमले अदा हो सकते हैं गुस्से में भी बहरहाल तो वहाँ हतिस तो तसीम के त्लुक़ से यानी कि मुनाज़रे के लिए आए थे कि वो खुदा हैं और तुम कहते हो तो अल्लाह के बंदे और बेटे अल्लाह के बंदे और रसूल हैं हम नहीं मानते वो तो अल्लाह के बेटे और ख़ुदा हैं तो अल्लाह के रसूल ने पहले तो दलाइल से समझाया मुनाजरा किया लेकिन व नहीं समझे हुज़ूर फरमा कि वते आदम को देख लो बग़र माँ बाप के तो सिर्फ़ बग़र बाप के वो बगैर माँ बाप के उनको खुदा क्यों नहीं कहते तो अल्लाह ने उससे बयान फरमाया कि आदम ही की तरह हत आदम ही की तरह, तरह ईसा भी हैं अल्लाह ने कन फरमाया तो आदम को पैदा किया और इसी तरह से लफ्ज़ कुन से अल्लाह नेती को भी पैदा फरमाया तो अब ये कि एक सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो आदम है ही नहीं तो सुनना समझना कुछ है ही नहीं तो कन हो जा या आदम कन या आदम या आदम हो जा तो ये हम कब कहेंगे जब कोई हो सुनने वाला समझने वाला हो तो कहेंगे आदम तो थे ही नहीं तो अल्लाह ने कहा किसको और समझा कौन और सुना किसने कि आदम हो जा है ना तो ये के ये कुन किससे कहा गया कुन या आदम आदम हो जा तो फिर हथे आदम तैयार हो गए तो ये कहाँ किससे गया कहते मिट्टी के गारे से कहा गया मिट्टी के गारे से तो मिट्टी के गारे में ये सलाहियत है वो सुन सकता है समझ सकता है बात यकीनन हर चीज़ में सलाहियत है और अल्लाह तबारक तआला जिसे हुक्म फरमा दे वो सुन ले बल्कि अल्लाह तबारक तौला की यानी बात तो बहुत बड़ी बात है बल्कि अल्लाह के महबूब बंदे भी वो भी यानी कि दूसरों यानि ऐसी चीज़ों को अगर हुक्म दें तो वो भी सुन लिया करती हैं ऐसी चीज़ें जिनमें जान ना हो वो भी सुन लें है ना तो सुन भी लें समझ भी लें और इतात भी करें यानी कि मान भी लें इंसान है कि जो जल्दी इतात नहीं करता मानता नहीं लेकिन ऐसी चीज़ें बड़ी जल्दी मान लेती है अगर हजूर पहाड़ को कहते हैं हट जाए तो हट जाए है ना उससे वो सुनेगा भी समझेगा भी और फौरन कबूल भी कर लेगा <coughs> तो इस तरह के यानी कि या तो हत आदम अल्सा तो तस्लीम की हस्ती मुराद है कुन से कि हस्ती आदम हो जा अल्लाह ने इरादा फरमाया ये इरादा जो था उसे इजहार फरमाया और वो हत आदम हो गए या फिर वाकई में अल्लाह तबारको तारा ने उस मिट्टी के गारे से फरमाए के कन यानी आदम तुम तैयार हो जाओ मिट्टी से उस मिट्टी को हुक्म दिया और वो मिट्टी से पुतला बना और हत आदम तैयार हो गए तो ये यानी कि अल्लाह तबारको तारा के और अल्लाह के महबूब बंदों के जो है अहकाम ऐसी चीज़ों पर भी जारी होते और वो कबूल भी करती सुनती समझती और मानती भी है अली सलाम के जमाने में हथ नू ने दुआ की तो नू आलाम के ज़माने में सैलाब आया अजाब के तौर पर और वो सैलाब कैसा सैलाब आया था कि आसमान से पानी बरस रहा था जमीन से उबर रहा था पहाड़ भी है ना पहाड़ों से भी गिर रहा था तो हर तरफ से पानी ही पानी तो फिर ये इतना पानी था इतना कि जहां जितनी बस्ती और आबादी थी ना उतना पानी आता था जितने लोग होते जहाँ जहाँ जितनी बुलंदी पर होते यानी कोई बंदा अगर पहाड़ पर चढ़ गया तो पानी पहाड़ तक भी पहुंचता था और जहाँ पहाड़ तक यानी नहीं है तो वहाँ बस्ती तक पानी पहुँचता था तो वहाँ अल्लाह तबारक तारा ने आसमान से फरमाया या समाओ अकल ए आसमान तू बरस यानी कि उंडेल दे पानी को तो आसमान ने बरसा दिया इसी तरह से ज़मीन से फरमाया अर्दो अबल माओ की ए ज़मीन तो अपना पानी उगल दे तो पानी ज़मीन ने भी उगला इसी तरह से या जिबालो अब भी पहाड़ों से फरमाया कि ए पहाड़ तुम भी अपना पानी है ना गिराओ तो पहाड़ों ने भी पानी गिराया बहरहाल तो ये है यानी कि आदमी इस्सलम के, आदम के गार्ला ने फरमाया इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ अल्लाह तबारक ताल के, के बहबूब बंदे भी जैसे कहते सलीमान इस्सम के तल्क से अल्लाह तारेन पाक में निशात फरमा आता है अमरी हवाएं उनके हुक्म से चलती तो इस्लाम तख्त पर बैठकर अपनी रियाया को अपने यानी अपनी दरबारियों को बिठा देते तख्त पर और फिर तख्त से यानी हवा से फरमाते हवा हमको उड़ाकर फना जगह ले जा तो हवा उड़ाती तो हवा ने सुना समझा और हतम इस्लाम की इताद भी कि उनका हुक्म भी माना तो हवाओं पर भी हर सलाम का हुक्म चलता था इसी तरह से हत आजम के ताल्लुक से वा, यानी वाक़ मौजूद है कि जब दरियाए दजला में तहानी आई है बहुत ज़्यादा और लोगों को खौफ और डर हुआ कि कहीं यानी कि बगदाद डूब ना जाए तो लोगों ने गौ आज़म की बारगाह में आकर तो अर्ज़ की कि गौ आजम आप कुछ करें तो गौ आजम अपना हादसा आज लेकर चले सारे लोग भी थे लोग पुल पर खड़े थे दूर किनारे पर खड़े थे तो गौ आज़म पानी के अंदर चले गए और फिर आपने वहाँ से पूछा बोलो यहाँ तक क्या नहीं थोड़ा और आगे तो और आगे पहले तो लोग रोक रहे थे कि आप न जाए न जाए गौ आज़म ने कहा तुम मत घबराओ मैं जाता हूँ फिर गए तो कहाँ तक पानी रखना है आप पूछ रहे हैं क्या नहीं और आगे तो और आगे तक गए यहाँ तक यानी कि दरिया का किनारा था यानी कि दरिया जो यहाँ तक बहता है वापस चला जाता है यहाँ तक पानी आता है, फिर चला जाता है। वो किनारा का यहां तक कहां यहां तक तो आपने अपना असा दिया और फिर दरिया से फरमाया दरिया ये जो मैंने असा घाड़ा इससे आगे मत बढ़ना तो सारा पानी पलटकर पीछे हटा और पीछे हटा तो फिर कभी असा से आगे नहीं आया फिर वहाँ से कभी आगे नहीं बढ़ा तो गौसे आजम का समंदरों पर हुक्म चलता समंदर ने सुना माना समझा सब कुछ तो समंदरों पर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मिर्गी की बीमारी वाले शख्स को लाया गया और वो यानी कि मिर्गी का दौरा पड़ता था बीमारी जिसमें बंदा जो है गिर पड़ता है और तड़पना शुरू होता है तो मिर्गी के यानी वाले बीमारी के शख्स को लाया गया तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने उससे यानी कि बीमारी से ख़िताब फरमाया बीमारी से फरमाया कि बीमारी यानी कि ए मिर्गी तू इसके जिस्म से निकल कर भाग निकल जा तो जैसे ही आपने उससे ये फरमा किया आप अल्लाह के रसूल के, दुश्म, अल्ला के, के, के दुश्मन यानी कि अल्लाह के रसूल के अल्फाज ये थे कि अल्लाह के दुश्मन तू इसके जिसम से निकल जा मैं अल्लाह का रसूल रसुलू जैसे ही बीमारी ने ये सुना उसको एक उल्टी हुई और कहते हैं कि बाज रहा में आता है कि वो बिल्ला एक बिल्ली जैसा यानी बिल्ली के बच्चे जैसा कुछ निकला या कुछ कीड़ा निकला काले रंग का वो निकला और निकल कर गायब हो गया वो बीमारी उससे अच्छी हो गई वो बीमारी अच्छी हो गई तो पता चला कि बीमारी भी रसूलुल्लाह की बात सुनती है सुनती समझती और मानती भी है इताद भी करती है कि बीमारी फिर उससे उनसे निकल गई तो इस तरह की यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह के रसूल सोसम या अल्लाह ताला की अल्लाह के रसूल की और अल्लाह के महबूब बंदों की इताद करती है दूसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है ना मुबाह में ये फरमाया था कि हम खुद आएँ अपनी औलादों को लाएँ अपनी औरतों को लाए तो हत अली हसैन करीमैन और हत फातिमा ज़हरा इनको लेकर गए तो फिर इस बात पर शिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि हंगामा आराई करते हैं और इस पर ये इस्तदलाल करते हैं कि हत यानी अपनी औलाद फ़रमाया था तो हत अली की औलाद क्यों ले गए अपनी औलाद फरमाया था ना कि हम अपनी औलादों को अपना अना व वबनाकुम है ना नज़र बनाना हम अपनी औलादे लाते हैं तुम अपनी औलादे ले आओ तो अपनी औलादे लानी चाहिए हत अली की औलादे लाएँ हसन क्रम तो फ़तः अली की तो ये इस वजह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खसूसियात में से और किसी का ये खादसा नहीं किसी को ये हासिल नहीं ये अल्लाह के रसूल ही की खसूसियत है कि सरकार का नसब आपकी बेटी फ़ातमा जहरा से चलता है और किसी का नसब बेटी से नहीं चलता हर एक का नसब बेटे से चलता है लेकिन हुजूर का नसब बेटी से सरका फरमाते कि मेरा नसब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा तो हसनैन करीमैन ये अल्लाह के रसूल की औलाद में शामिल हैं ना वैसे औला यानी अगर किसी ने वसीयत की ना कि मेरी औलाद को यानी मेरे मरने के बाद ये जायदाद मेरी औलाद को दी जाए तो उसकी औलाद में कौन आएगा उसके बेटे आएंगे बेटे नहीं है तो पोते आएंगे पोते नहीं तो परपोते आएंगे नवासे नहीं आएंगे लेकिन अल्लाह के रसूल वसल्लम की औलाद उनके नवासे हैं, है ना उन्हीं को सरकार ने अपनी औलाद फरमाया हसन करीम को और फिर ये कि मुसीबत के वक्त बंदा जो है ना वो अपने लोगों यानी जब यकीन हो कि भाई मैं हक पर हूँ और अगर यानी कि किसी को कुर्बानी के लिए पेश करना हो तो हम अपने आप को पेश करेंगे अपने घर वालों को पेश करेंगे दूसरों को पेश नहीं करेंगे अपनी यानी अगर कुर्बानी पेश करनी है तो हम अपना जो यानी कि अपने आप को पेश करें अपना जो महबूब हो अपना घर वाले हो, उन्हें पेश करेंगे ना कि दूसरों को पेश करेंगे ये नहीं होता कि हमें यानी कि किसी को यानी कुर्बान करना है तो ये कि दूसरे के घर वाले को बुलाया कि भाई तेरे बेटे को भेज है ना या ये तू चल ऐसा नहीं फिर हम अपनी कुर्बानी पेश करेंगे तो इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की कुर्बानी यूँ पेश की कि हस्तैन करमैन जो आपके बेटे हैं उन्हें आपने पेश किया अब यह कि हाथे अल्लाह तबरक तारा ने यानि कि मुबाहले का हुक्म दिया था तो मुबाह का मतलब ये था कि अगर यानी कि मुबाहला कर लिया तो अजाब आएगा और सारे के सारे ईसाई क्या हो जाएंगे हलाक हो जाएंगे जबकि अल्लाह ने कुरान ही में साथ फरमाया कि महबूब अल्लाह आपकी उम्मत को अज़ाब नहीं देगा यानी अल्लाह आम अजब नाजिल नहीं फ़रमाएगा जब तक आप ज़मीन पर मौजूद हैं जब तक हम इनके दरमियान मौजूद हैं अल्लाह आम अजब नाजिल नहीं फ़रमाएगा तो फिर तो मुबाह हो भी जाता तब भी इस तरह का अजाब नहीं आता कि सारे ईसाई ख़त्म हो जाएँ तो फिर तो मुबाह का कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसका जवाब यह दिया जाता है कि ये अगर मुबाह होता वो आम अजाब ऐसा होता है जो अगली उम्मतों पर आता था कि अजाब आया तो सारी की सारी कौम ख़त्म हो गई है ना सारे लोग आ, ह, 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 हलाक हो गए तो कहते ऐसा अजाब ना आता लेकिन ये कि ये एक कम्यूनिटी यानी कि मुबाह होता तो ईसाइत जो है ना वो ख़त्म होती और ऐसा अजाब क़यामत से पहले भी आएगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर अजाब आएगा और वो ख़त्म हो जाएंगे तो मुबाह होता तो यकीनन अजाब उन पर नाज़िर होता लेकिन वहाँ के रहने वाले यानी मिसाल के तौर पर यह कि बस्ती पर अजाब आता था ना तो उसमें बुरों भी बुरे होते नेक होते सब चले जाते थे यानी बस्ती उलट दी गई तो उसमें जितने हैं अच्छे बुरे सब चले गए है ना तो कहते हैं ऐसा आम अजाब अब अल्लाह नहीं तबारकनी फरमाएगा तो ये अजाब आता मुबाह के बाद तो सिर्फ ईसाइयों पर आता सारी कौम पर या सारे लोगों पर नहीं आता सारे शहर वालों पर नहीं आता अब शियाओं ने जो है न इन इस आयत से ये भी साबित करना चाहा कि हते अली जो है ना वो सबसे ज़्यादा अफजल हैं वो खिलाफत के ज़्यादा मुस्तक थे वो अल्लाह के रसूल के मुशाबे हैं किफु सरकार ने फरमाया कि नड़ूँ अफसना व अनफु सकुम अपने आपको ले आएँ तुम अपने आप को ले आओ तो अपने आप में सरकार ने ख़ुद को और हतः अली को पेश किया तो कहते हैं अनफुस नफ्स यानी दोनों सेम सेम तो हतः अली और हतल अल्लाह के रसूल दोनों सेम सेम हैं हालाँकि अल्लाह के रसूल के मिसल कोई नहीं अल्लाह के रसूल जैसा कोई नहीं तो हत्याली जो है ना उनकी खिलाफत या उनके अफजलियत या कुछ भी इस आयत मुबारक से साबित नहीं होता बल्कि अल्लाह तबारक तारा ने यानी अल्लाह के वसम ने अनफसना फरमाया कि हम अपने आप को ले आ, तो अपनी ज़ात मुरादली कि मैं अपने आप को पेश करता हूँ तुम लोग अपने आप को पेश करो और अपने आप में सरकार ने हत्याली को पेश किया अपने आप में सरकार ने हथली को भी शामिल फ़रमाया व इसलिए कि दामाद रसूल हैं अल्लाह के रसूल के दामाद हैं और दामाद जो है ना वो बेटे के कई मकाम होता है बेटे की तरह होता है तो इस वजह से दामाद को आपने शामिल फ़रमाया वो भी हथे फ़ातिमा की नस्बत से कि फ़ातिमा है ना बेटी तो आ रही है तो बेटी के साथ आपने उनके शोर अली को भी आ, पेश फरमाया बहरहाल ये यानी कि अल्लाह तबारक ताली ने अपने महबूब को मुबाहले का हुक्म दिया था और अल्लाह के रसूल ने चैलेंज फरमाया लेकिन ईसाइयों ने इस चैलेंज को कबुल नहीं फरमाया तो अब आयत नंबर बासठ और तिरसठ इन दोनों आयत में अल्लाह तबारक तौर उस मुनाजरे मुबाहले के बाद का नतीजा अल्लाह ताली बयान फरमाता है तरफ तो फरमाता है इन हाजा लहअुलसक यही बिल्कुल सच्चा बयान है बेशक यही सच्चा बयान है हक सच्चा बयान है सच्चा वाक़ है और सच्ची बातें वमामिनल्ला कोई महबूद नहीं अल्लाह, के अल्लाहुद है वही इबादत का मुस्क है वही अज़ीज़ुल हकीम और बेशक अल्लाह वहीबमत वाला है इसमें ईसाइयों के लिए जवाब भी है ये जवाब के अल्लाह और ख़ुदा वही हो सकता है जो गालिब भी हो जो हकमत वाला भी हो है न और जिस पर कोई गालिब ना आ सके तो फिर वो खुदा हत आई असलातसम को तो यहूदी कत्ल करने वाले थे अगर वो खुदा होते तो कोई उन्हें कत्ल नहीं कर सकता था और अगर कत्ल करने आता भी तो अल्लाह को हत ईसा को आसमान पर उठाना नहीं पड़ता हतिसतसम खुद ही अपने आप को बचा लेते और उन पर गालिब आते लेकिन ऐसा हुआ नहीं अल्लाह ने फरमाया ईसा मैं तुम्हें बचाऊँगा राफे हो का मैं तुम्हें उठा लूँगा है ना और वतवफ़ा का मैं तुम्हारी उम्र भी पूरी करूँ मुतवी का मैं तुम्हारी उम्र भी पूरी करूँगा तो उठाने का भी जिक्र है उम्र पूरी भी होगी अभी उम्र बाकी है हत ईसा की जितनी उम्र है अभी बाकी है यूं समझो कि अब ईसा के ऊपर एक आदमी की उम्र साठ साल है है ना साठ साल की उम्र है और वो बीस गुजार चुका है बीस तो हो चुकी है लेकिन उसके बाद उसकी उम्र रोक दी गई है रोक दी गई और उसे स्टॉप कर दिया गया है अब जब वो जब यानी कि वापस से आएंगे तो यहाँ से इक्कीसवें साल से वापस स्टार्ट करेंगे तो इक्कीस से फिर चालीस साल रहेंगे है ना तो चालीस सा, अब साठ की उम्र पूरी होगी तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी उम्र पूरी करूँगा तो कोई तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता मैं उठा लूँगा तुम्हारी उम्र पूरी करूँगा तो अल्लाह तबारक तौर ने हते ईसा को उठा लिया उनकी उम्र अभी वो आसमान में है उम्र रुकी हुई है जितने यहाँ से गए थे वापस आएँगे वहीं से स्टार्ट करेंगे उम्र इसलिए कि जिंदगी की उम्र जो होती है ना वो दुनिया की शुमार की जाती है अभी वो आसमान में है तो वहां की शुमार नहीं की जाती है हाँ तो उजैर आलम सौ साल तक सोए रहे तो उनकी वो शुमार नहीं की गई उम्र है ना जब उठे हैं तो जितने के थे चालीस साल के थे चालीस साल ही के रहे लेकिन उनकी औलादे एक सौ बीस साल की हो चुकी कोई सौ साल अस्सी साल की हो चुकी है उनकी औलादे हाँ तो उजैर जब गए हैं तो बिल्कुल नौजवान यानी वो चालीस साल के जो जवान थे वैसे के वैसे थे बस्ती में गए तो एक बूढ़ी औरत उसने पहचान लिया कि ये तो हमारे नबी चूँकि वो तो जवान थी उस वक्त जब उसने देखा था तो उज़ैर को उसने कहा ये तो हमारे नबी उज़ैर हैं तो आपने पूछा भाई मेरी औलाद कहाँ है बेटे कहाँ हैं वगैरह तो फिर आपको बताया गया ले जाया गया तो देखा तो वो सब सफ़ेद बाल वाले हो चुके हैं और हत उज़ैर अभी जवान है बिल्कुल एकदम जवान काले बाल हैं सब को और वो सब बिल, बिल्कुल बूढ़े और उम्र दराज हो चुके हैं सारे लोगों की यानी औलादों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो इनकी उम्र रुक गई थी जब सो गए थे सौ साल के लिए अल्लाह ने उनकी रूह निकाल ली जब रूह निकाल ली तो उम्र रुक गई है ना तो इसी तरह हतिसी आसमान में उम्र रुकी हुई है जब आएंगे ज़मीन पर तो फिर उनकी उम्र आगे शुरू होगी स्टार्ट होगी बीस साल मिसाल के तौर तो पर गुजार चुके हैं तो बाकी के चालीस साल अभी गुजारना बाकी है तो अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह वो है जो गालिब हिकमत वाला है नानी कि ऐसे नहीं है नालिब ना, हकमत वाले नहीं हैं ये सिफत सिर्फ अल्लाह तबारक वाली है कि वो हर चीज़ पर गालिब है उसका गलबा है फ़ैन तवलऊ फ़ैन अल्लाह आलिम बिलमसदीन महबूब अगर ये लोग मुँह फेरें यानी मुनाजरा मुबाह से मुँह फेर लेते हैं आपकी हकानियत आपका काम तो हो गया आपकी हकानियत तो साबित हो गई आप तो हक साबित हो गए कि आपने चैलेंज कर दिया था मुबाह का अगर आप झूठे होते तो ये मुबाहला कर लेते महबूब आप हक पर थे ये झूठे थे इसलिए मुबाहले से भाग गए फ़िन तवल फिर अगर ये लोग मुँह फेरें तवल मुँह फेर दें फ़िन ललिम तो बेषक अल्लाह तबारक वाली फसादियों को जानता है फसाद फैलाने वालों को जानता है तो अल्लाह के रसूल रसोलसम ने हत ईसी तसीम के जितने यानी अल्लाह ने कुरान में जो भी वाक़त बयान किया अल्लाह के रसोलस ने जो भी मुनासर वगैरह जो भी वाक़ पेश आया अल्ला फरमाता है, ये पूरा वाक़ा ये सारा बयान बिल्कुल हक़ है सच है और अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है ईसाइयों का रद है जो नजरान के ईसाई ये साबित करना चाहते थे कि हतिसम अल्लाह के बेटे और खुदा हैं तो आज कल यानि कि अक्सर ईसाइयों का हाल यह है कि वो अल्लाह को तो मानते ही नहीं पहले के ईसाई ऐसे थे कि जो अल्लाह को मानते थे यानी अल्लाह मानते थे और अल्लाह के बाद अल्लाह का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और फिर हज़रत मरियम को अल्लाह की बीवी मानते थे तो इस तरह त्रीनिटी का अकीदा इनके अंदर मौजूद है आज भी त्रियटी का अकीदा मौजूद है और ये लोग जो हैं इसी अकीदे पर है कि तीन खुदा यानी कि तीन खुदा हैं एक अल्लाह एक ईसा और एक मरियम ये तीन खुदा हैं लेकिन अल्लाह तबारक तौर ने खुद कुरान पाक में आ, इस बात की वजात फरमा दी सुर अखलास में अल्लाह एक है तनहा यकता है ना उसका कोई बेटा ना उसकी न वो किसी की औलाद और उसकी कोई बीवी नहीं उसका कोई हमसर नहीं उसके कोई बराबर नहीं है ना तो अल्लाह तला ऐसी चीज़ों से पाक है बहरहाल तो हतिसीसम की उलूत है न बातिल हुई और आपका खुदा होना बातिल हो गया और रद्द हो गया और आपकी अबदीत साबित हो गई कि आप हतिसीसम जो है वह अल्लाह के बेटे ही हैं बस ये है कि वो इब्ने मरियम हैं वो इब्ने मरियम हैं और वो हते यानी किसी के नुतफे से इंसान की पैदाइश का जो कानून है वो ये है मनी से पैदा होना नुतफे से पैदा होना मर्द औरत की क्या नुतफा मिले तो यानी कि पैदा हो अल्लाह ने बग़ैर किसी के नुतफे के ना किसी और का नुतफा ना हते मरियम का नुतफा किसी का नुतफा नहीं हते जिब्राइल की फूंक से अल्लाह ने हते ईसा को पैदा किया और इसीलिए वो कलमतुल्ल कहे जाते हैं अल्लाह का कलमा अल्लाह का कलमा वो अल्लाह का कलमा है कौन सा कलमा लफ्ज कुन अल्लाह ने फरमा कुन या ऐसा ऐसा हो जाते जब्रैल ने फूक मारी और अल्लाह ने फरमाया कन या ईसा ऐसा हो जा तो आप हमल में आ गए हत मरियम के पेट में आ गए और इस तरह पैदा हुए और जो पैदा हो वो खुदा नहीं हो सकता अल्लाह तबारक व तारा की ज़ात इन सारी चीज़ों से जो इंसानों की यानी कि मुशाबे उससे पाक है तो बहरहाल ये आ, आयत नंबर बासठ और तिरसठ थी इनशा आगे की तफसीर आइंदा हफ्ते होगी वाखादाब्लम